नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर एंड पेंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को कई बार बताया कि कोई भी सरफेस पे जब हम लोग पेंट लगाते हैं, चाहे वो हमारा मेटल का सरफेस हो या वॉल हो या वुड का सरफेस हो, तो कोई भी पेंट जब हम लोग लगाते हैं उससे पहले हमें प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइमर लगाने के बहुत सारे एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी भी पेंट का एक लाइफ ड्यूरेशन जो होता है, यानी कि उसका जो पेंट का जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी लंबा समय उस पेंट का लाइफ हमें देखने को मिलता है। सेकंड चीज़ हो गया उसका फिनिशिंग। अगर हम लोग कोई प्राइमर लगा के और पेंट लगाते हैं तो उस पेंट का जो एक फिनिशिंग होता है, काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग और काफ़ी एक फाइन फिनिशिंग हमें देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हमारे घर के जो इंटीरियर वॉल होते हैं उसमें कौन सा हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया था। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे घर के जो एक्सटीरियर वॉल होते हैं, यानी कि घर के जो बाहरी दीवार होते हैं जिसपे धूप धूल गर्मी बारिश ये सारा कुछ उस दीवार को झेलना होता है, तो उस पर हम लोग कौन सा प्राइमर यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन से जो हमें वाटरप्रूफ प्राइमर होते हैं, कौन सा जो है विदाउट वाटरप्रूफ प्राइमर है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग भी अपने लिए एक मार्केट से अच्छा प्राइमर खरीद सके। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड वीडियोस जो है वो मैं आपको इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एशियन पेंट की तरफ से जो हमारा सबसे पहला एक्सटीरियर वॉल प्राइमर है वो है हमारा ट्रू केयर का एक्सटीरियर वॉल प्राइमर। दोस्तों, ये जो प्राइमर का डब्बा है आपको कुछ इस टाइप को देखने को मिलता है। ये जो है ये आपको मार्केट में 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर हर एक पैक साइज में आपको इजिली अवेलेबल मिल जाता है। ये जो है प्राइमर, ये आपका एशियन पेंट का सबसे पुराना एक वॉल प्राइमर है और सबसे अधिक बिकने वाला भी एक वॉल प्राइमर है। दोस्तों, इसकी अगर हम कुछ खासियत की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम कवरिंग एरिया की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो वॉल प्राइमर है ये 1 लीटर में आपका 120 से 150 स्क्वायर फीट तक के एरिया को ये कवर करता है। अगर इसकी फिनिशिंग की हम बात करें तो जिस वॉल पे आप ये प्राइमर लगाते हैं, यानी कि जो आपके घर के बाहर के जो दीवार होते हैं, एक्सटीरियर वॉल्स होते हैं, अगर उस वॉल पे आप इसे लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलता है। यानी कि जब जिस दीवार पे आप इसे लगाएंगे तो वो जो वॉल है आपका काफ़ी स्मूथनेस उस पर देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों, ये एक वाटरप्रूफ प्राइमर नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एक विदाउट वाटरप्रूफ प्राइमर है। इसमें वाटरप्रूफ का ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन कोई इसकी ऐसा ये नहीं है कि ये आपका एक वाटरप्रूफ प्राइमर है, लेकिन आप इसे ईजिली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपके जो टेरिस हो गए, टेरिस के जो बाउंड्री होते हैं घर के, जो ऊपर के जो छत के जो चारों बगल जो दीवार होते हैं उस पर भी आप इसे आराम से लगा सकते हैं, घर के बाहर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे कौन से सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप इसे किसी भी सर्फेस पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका कॉन्क्रीट सर्फेस हो। कॉन्क्रीट का मतलब ये है कि आप जैसे आपका जो दीवार है उस पर आपने प्लास्टर किया है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी इस प्राइमर को लगा सकते हैं। उसके बाद में आप इसे पुट्टी वाले जो आपके जो सरफेस है, जिस वॉल पे आपका आपने पुट्टी लगाया है उस पर भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगर हम कलर की बात करें तो ये आपके एक सिंगल वाइट कलर में ही अवेलेबल है। कोई भी आपका जो प्राइमर होता है, वॉल प्राइमर होते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर वॉल प्राइमर हो तब या आपके इंटीरियर वॉल प्राइमर हो तब, वो आपका सिंगल एक वाइट कलर में ही अवेलेबल होते हैं। इसकी एक और खासियत ये है कि ये आपका एक काफ़ी ज़्यादा वाइट प्राइमर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। आप जिस वॉल पे इसे जब लगाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक वाइटनेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्राइमर को हम कैसे यूज़ करें और इसे वॉल पे हम किस तरीके से लगाएं। दोस्तों, यहाँ पे ये आपका 1 लीटर का अगर कंटेनर है तो 1 लीटर में आपका 1 लीटर पानी मिक्स होगा। ये यानी कि 1:1 रेशियो का ये एक प्राइमर है। और उसके बाद में आप इसे ईजिली ब्रश से भी और रोलर से भी लगा सकते हैं किसी भी वॉल पर। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग इस प्राइमर को जब भी किसी वॉल पे लगाएं, यानी कि जो भी आपका जो एक्सटीरियर वॉल्स है उस पर जब भी आप लोग इस प्राइमर को अप्लाई करें तो हमेशा 2 कोट का अप्लाई करें। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, कि आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका इंटीरियर प्राइमर हो तब या एक्सटीरियर प्राइमर हो तब, हमेशा आप लोग डबल कोट लगाएं, क्योंकि डबल कोट लगाने से एक ये बेनिफिट आपको मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग जब जैसे प्राइमर के बाद में जो पेंट लगाते हैं तो उसका जो एक फिनिशिंग और उसका एक लाइफ जो है, उसका बहुत सारे जो एडवांटेज हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी भी यही कहती है, कंपनी का भी यही प्रोसीजर है कि कहीं ना कहीं आप लोग कोई भी प्राइमर लगाए तो हमेशा डबल कोट लगाए और डबल कोट पेंट भी अप्लाई करें। दोस्तों, कई लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, यानी कि प्राइमर में ज़्यादा खर्च ना हो, वो लोग हमेशा सिंगल कोट प्राइमर करवाते हैं और उस पर डबल कोट पेंट करवाते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो हमें मतलब कहीं ना कहीं एक 19-20 का एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यानी कि
अगर हम लोग डबल कोट प्राइमर करते हो तो कहीं ना कहीं एक 20 के रेंज पे जाता, और कहीं ना कहीं अगर हम सिंगल कोट कर रहे हैं तो एक 19 के रेंज पे, तो थोड़ा सा खर्च और लगता है। आप लोग ये चीज़ पे हमेशा ध्यान रखें, इस चीज़ पे हमेशा फोकस करें, कभी भी कोई सा भी प्राइमर लगाए तो हमेशा डबल कोट ही लगाए। अब दोस्तों इस प्राइमर के बाद में एशियन पेंट की तरफ से जो हमारा अगला एक्सटीरियर वॉल प्राइमर है वो है हमारा स्मार्ट केयर का डैमसिथ एक्सटीरियर वॉल प्राइमर। दोस्तों इस प्राइमर को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो जिस दीवार पर आपका सीलन का प्रॉब्लम हो, जिस दीवार पर अपने आप नमी लगता हो, या जिस दीवार पर आपने जो प्लास्टर किया है उस पर अपने आप क्रैक्स जो है वो अपने आप क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस क्रैक्स को हील करने के लिए, उस सीलन को दूर करने के लिए, उस नमी को हटाने के लिए हम लोग इस प्राइमर को यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो वॉल प्राइमर है ये आपका एक 100% वाटरप्रूफ वॉल प्राइमर है। यहाँ पे आपको कंपनी 3 साल की इस पे वारंटी भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 साल की एक वाटरप्रूफिंग जो वारंटी है वो आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम इसकी पैक साइज़ की बात करें तो ये आपका मार्केट में 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर हर एक पैक साइज़ में आपको इजिली मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसकी अगर हम कलर की बात करें तो ये आपका एक सिंगल शेड ही कलर में अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में ही अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी प्राइमर आपका सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में ही अवेलेबल होते हैं। बट ये चीज़ है कि किसी प्राइमर की जो कुछ खासियत होती है, जैसे कि कुछ प्राइमर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ प्राइमर जो होते हैं जो उसके ब्राइटनेस है वो कम होती है, मतलब यानी कि जो उसकी जो एक शेड होती है वो थोड़ा हल्के कलर का होता है, वाइट होते हैं बट वो थोड़ा लाइट होते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसकी अगर हम कुछ और खासियत की बात करें, यानी कि इसकी एरिया कवरिंग की अगर हम बात करें, तो ये आपका 1 लीटर में मैक्सिमम आपका 100 स्क्वायर फीट तक के ही एरिया को कवर करता है, क्योंकि ये जो प्राइमर है ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा प्राइमर है, काफ़ी थिक प्राइमर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो वॉल प्राइमर है ये आपका एक स्ट्रेचेबल वॉल प्राइमर है, स्ट्रेचेबल वॉल प्राइमर है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर क्लियरली लिखा भी है क्रैक हीलिंग एबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके प्लास्टर होते हैं, यानी कि जो आपका दीवार है उस पर आप लोग हर घर में ये चीज़ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी घर जब पुराना होता है 10 साल के बाद में या 15 साल के बाद में, तो जो प्लास्टर होते हैं उस पर अपने आप छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, और वो जो आपने नॉर्मल प्राइमर लगा के और फिर उसके बाद में जो आपने पेंट लगाया होता है वो क्रैक्स ऊपर से दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस प्राइमर को यूज़ करते हैं पेंट करने से पहले, वो जो क्रैक्स होते हैं उस चीज़ को ये वॉल प्राइमर अपने आप उस जगह पे स्ट्रेच होके उस चीज़ को ये कवर करता है। तो कहीं ना कहीं आप इस वॉल प्राइमर को एज़ कम्पेयर टू ये आप इस वॉल प्राइमर को यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों ये जो है ये थोड़ा सा मार्केट में सस्ता है, और ये जो वॉल प्राइमर है ये आपका थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके एडवांटेज है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांटेज और बहुत अच्छे एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये वॉल प्राइमर जो है यूज़ करें, थोड़ा सा महंगा है बट कहीं ना कहीं इसका जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइफ देखने को मिलता है। और इस वॉल प्राइमर को जब आप लोग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका पेंट का एक लाइफ होता है वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, इस प्राइमर को यूज़ करने से आपको मेनली 2 बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि ये प्राइमर आपका एक नॉर्मल प्राइमर की तरह भी काम करता है, और जो दूसरा बेनिफिट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये आपका कहीं ना कहीं एक वाटरप्रूफिंग का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इस प्रोडक्ट को अगर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका जो पेंट का लाइफ है वो काफ़ी एक लंबा समय तक देखने को मिलता है। उसके बाद में जो आपके जो महंगे पेंट्स होते हैं, जैसे कि अल्टीमा जो होते हैं, अल्टीमा स्ट्रेच होते हैं, एपेक्स अल्टीमा होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक महंगे पेंट होते हैं, तो जब आप लोग इतना महंगा पेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अगर ये प्राइमर यूज़ करेंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो वॉल प्राइमर थे ये एशियन पेंट के एक्सटीरियर वॉल प्राइमर है। अगर एशियन पेंट की हम बात करें, मार्केट में एशियन पेंट के एक्सटीरियर वॉल प्राइमर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बहुत सारे रेंज अवेलेबल है, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको मेनली 2 प्राइमर के बारे में बताया जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे और एक सबसे अच्छा बेनिफिट देने वाला, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला जो आपका प्राइमर है उसके बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों कोई भी सरफेस पे जब आप लोग प्राइमर लगाते हैं तो हमेशा 2 कोट प्राइमर का यूज़ करें, क्योंकि प्राइमर ये नहीं कि आपका जो प्राइमर है वो आपके पेंट के कॉस्ट को, यानी कि जो आपका मकान पे, जिस मकान पे आप लोग पेंटिंग कर रहे हैं उसके कॉस्ट को बढ़ाता है, बल्कि प्राइमर कहीं ना कहीं उस पेंट के कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि जिस वॉल पे आप लोग जो प्राइमर लगाते हैं और उस वॉल पे जो आप लोग पेंट लगाते हैं तो वो जो आपका पेंट है वो कहीं ना कहीं प्राइमर लगाने के बाद में वो एरिया को ज़्यादा कवर करता है। अगर आप लोग किसी वॉल पे प्राइमर नहीं लगाते हैं और डायरेक्टली पेंट करते हैं तो वो जो पेंट है, चाहे आपका कोई सा भी पेंट हो, महंगा पेंट भी क्यों ना हो, चाहे वो सस्ता पेंट ही क्यों ना हो, वो आपका ज़्यादा मैक्सिमम एरिया कवर नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं प्राइमर के कंपैरिजन में जो पेंट का कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है।
तो आप लोग कभी भी किसी सरफेस पे कोई भी पेंट यूज करते हैं तो उस पर प्राइमर का यूज जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।